खबर, क्योंकि कैबिनेट की एक अहम बैठक होने वाली है और त्योहारों पर मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को, किसानों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। ईटी नाउ स्वदेश को जो एक्सक्लूसिव जो सोर्स बेस्ड न्यूज मिली है उसके मुताबिक आज की जो कैबिनेट की बैठक है उसमें कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। कर्मचारियों का डीए, रबी फसलों की एमएसपी बढ़ाने पर फैसला, ये सारी डिटेल्स एक बार प्रकाश प्रियदर्शी से समझ लेते हैं। जी, काफी इंपॉर्टेंट बैठक है यूनियन कैबिनेट की। आज अब से कुछ देर बाद ये बैठक शुरू होगी और जैसा कि हमें सूत्र बता रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एजेंडे हैं किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए और कर्मचारियों के लिहाज से भी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो एमएसपी है रबी सीजन के लिए, उसकी घोषणा आज हो सकती है। और सूत्र हमें बता रहे हैं कि एमएसपी में करीब 3-7% तक की बढ़ोतरी हो सकती है, अलग अलग फसलों के हिसाब से देखें। और करीब 6 ऐसे फसल हैं प्रोमिनेंटली जो कि रबी फसल माने जाते हैं, उस पर एमएसपी में सरकार बढ़ोतरी कर सकती है। और एक फॉर्मूले के आधार पर होगा जिसको कि केंद्र सरकार ने पहले ही अप्रूव किया है, जिसके हिसाब से जो C2 फॉर्मूला है यानी कि कॉस्ट प्लस 50%, उसके आधार पे एमएसपी को मंजूरी दी जाएगी और जाहिर तौर पे इससे किसानों को फायदा होने जा रहा है। तो एक इम्पोर्टेंट एजेंडा है आज की बैठक के लिए। इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारियों की जहां तक बात है, उसमें जो उनका डियरनेस अलाउंसेस है उसमें सरकार बढ़ोतरी कर सकती है, इसका प्रस्ताव है। उसमें 4% की बढ़ोतरी की जा सकती है और इसको बढ़ाकर 46% किया जा सकता है। तो जाहिर तौर पर त्योहारों से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए राहत की बात है। एक और इम्पोर्टेंट एजेंडा है जैसा कि हमें सोर्स बता रहे हैं, एक तो कल वित्त मंत्रालय ने इस बात का ऐलान कर दिया कि जो नॉन परफॉर्मिंग बोनस होता है, खासकर ग्रुप बी और ग्रुप सी कैटेगरी के जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, उनके लिए 30 दिन के बोनस की घोषणा कल सरकार ने कर दी। अब उसको एक फैक्टो अप्रूवल कैबिनेट की तरफ से उसको मिल सकती है। तो ये 3 इम्पोर्टेंट एजेंडे हैं आज की बैठक में, जैसा कि हमें सोर्स अभी तक बता रहे हैं, और इस पर आज यूनियन कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। जी, और केंद्रीय कर्मचारी डबल के आज उनके लिए फायदे की खबर आ सकती है कैबिनेट की बैठक से। शुक्रिया प्रकाश ये जानकारी देने के लिए। महंगाई भत्ता 4% से बढ़कर 46% करने की संभावना है और रबी फसलों की एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसमें 3-7% तक की बढ़त हम देख सकते हैं। आज ये खबर निकल के आएगी कैबिनेट से। और निश्चित तौर पर जब किसी के पास इनकम बढ़ती है तो उसका सीधा सीधा अगर हम बाजार के लिहाज से अगर हम बात करें तो फायदा होता है कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स को। जो भी खपत वाले स्टॉक हैं उनको फायदा होता है कि आप क्या खरीदते हैं, आप टीवी रिप्लेस करते हैं, आप कोई नई गाड़ी लेके आते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो खपत से जुड़े जो शेयर हैं वो फोकस में रहेंगे और हमारे जब एक्सपर्ट जुड़ जाएंगे फंडामेंटल, उनसे राय भी लेंगे कि आखिर आपको करना क्या है। वैसे भी हम देख रहे हैं कि त्योहारों का मौसम चल रहा है, नवरात्रि चल रही है, शादियों की भी एक लंबी फहरिस्त है, बहुत लंबी चौड़ी शादियों का सीज़न इस बार होने वाला है, उस पर भी हम फोकस ज़रूर